नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, कर्वे रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों में ब्रेस्ट का महत्व इक्वल है, बराबर है। दोनों भी अपनी चेस्ट कैसी दिखती है इसके बारे में हरदम कॉन्शियस रहते हैं। शायद स्त्री में ये प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन पुरुषों में भी उनको अपनी छाती कैसी दिखती है इसके बारे में हरदम चिंता रहती है। उसके साथ साथ छाती के ऊपर निपल और एरोला, ये ज़्यादा उठ के तो नहीं दिखते हैं, कपड़े के बाहर तो नहीं दिखते हैं, इसकी चिंता रहती है। कोई लोगों में वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उनको ये अपेक्षा रहती है कि उनके निपल्स बिल्कुल न बाहर दिखे, कपड़ों में से बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, अंदर दबे हुए रहना चाहिए। ऐसे केसेस में निपल रिडक्शन किया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया में ये प्रोसीजर होता है, माइनर प्रोसीजर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आसानी से पेशेंट को जो अपेक्षित परिणाम है वो अचीव हो सकते हैं। इसमें निपल की लंबाई कम कर सकते हैं, मोटाई कम कर सकते हैं, या दोनों भी एक साथ कम कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव ज़्यादा दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई बड़े टाके नहीं है और रिकवरी भी फास्ट होती है और रिजल्ट्स ये परमानेंट रहते हैं। तो देखिए, एक गायनेकोमास्टेक्टोमी केस, बट उसमें पेशेंट को निपल भी बारीक करके चाहिए थे, तो वो भी किया गया है। कैसे किया गया है, ऑपरेशन पूर्व और ऑपरेशन के बाद के परिणाम भी देखिए। आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। देखिए देखिए इस नौजवान की छाती ग्रेड 1 गायनेकोमास्टिया है, ग्लैंड भी लगती है, उसके साथ साथ आजू बाजू में फैट है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको निपल बड़ा होने के कारण बहुत कॉन्शियसनेस होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनको हरदम लगता है कि कपड़ों में से बाहर निपल दिखता है, वो उन्हें नहीं चाहिए। तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी के साथ साथ निपल रिडक्शन भी करके चाहिए। ये दोनों भी ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं आसानी से, उससे कोई पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा बढ़ती नहीं है, या डाउन टाइम नहीं बढ़ता है, रिकवरी टाइम नहीं बढ़ता है और चलने फिरने में कोई बाधा नहीं आती है। देखिए, मैं महसूस कर रहा हूँ, एग्जाम कर रहा हूँ कि वहाँ निपल के नीचे एक ग्लैंड भी है दोनों बाजू को, और उसके साथ साथ थोड़ी फैट भी है। ये ग्रेड 1 है। और आप देख सकते हैं कि निपल प्रोमिनेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट मैं समझ सकता हूँ। लोकल एनेस्थेसिया में निपल की सर्जरी शुरू हो गई है, मैंने कॉटरी इस्तेमाल की है। कॉटरी इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि प्रेसिजन जॉब होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। निपल बीच में स्प्लिट किया है और 50% पूरा निकाल दिया गया है। देखिए, एक बाजू का पूरा हाफ निकाला गया है, अभी सिर्फ एक बारीक फ्लैप बचा है स्किन का, निपल के स्किन का, तो वो अपोजिट साइड को लाके स्टिच किया जाएगा तो उससे वो टोटली फ्लैट हो जाएगा और वहां जख्म दिखाई भी नहीं देगी। ये अति सूक्ष्म टाके हैं। और ये टाके निकालने के लिए वापस आपको मेरे क्लिनिक में नहीं आना पड़ता है, आप बाहर गांव के हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं। एक 10 दिन के बाद आप नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस जगह पे कोई भी टाके के निशान दिखाई भी नहीं देंगे। निपल एरुला की स्किन डार्क रहती है, रिंकल्ड रहती है, इसके लिए उसमें छेद दिखने का सवाल आता नहीं है और कोई दर्द भी नहीं होता है।
थोड़ी सी कुछ दिन संवेदना कम होती है, बट वो आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल में आ जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार दोनों बाजू का निपल रिडक्शन किया गया और 4 घंटे के बाद पेशेंट घर गया। एक हफ्ते के बाद परिणाम देखिए, निपल की साइज पूरी कम हो गई है, वो ऊपर बाहर दिखाई नहीं देता है और वो कपड़ों में से भी बाहर नहीं दिखाई देगा। अभी वो टोटली एरोला के लेवल पे फ्लैट हो गया है और ये बदलाव परमानेंट रहेगा, दोबारा वो बढ़ने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।